नमस्कार दोस्तों, सौरभ शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करा जाता है यह हम समझेंगे। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मोटर है किसी दूसरी मोटर के कंपेरिजन में, क्योंकि यह मोटर इतनी ज़्यादा यूज़ करी जाती है इंडस्ट्रीज़ में और होम एप्लीकेशंस में, क्योंकि बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। जैसा सबसे पहला कि यह सिंपल है कंस्ट्रक्शन में और बहुत मजबूत होती है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि यह सस्ती होती है। अगर हम दूसरी मोटर से कंपेयर करें तो यह सस्ती होती है, इस वजह से भी यह काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है। और फिर यह मेंटेनेंस फ्री होती है क्योंकि डीसी मोटर की तरह इसमें कम्यूटेटर और ब्रशेस जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो यह एक तरीके से मेंटेनेंस फ्री मोटर है। इस मोटर को हम काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है, क्योंकि इसमें ना ही कम्यूटेटर है ना ब्रशेज़ हैं, तो उसके ऊपर डस्ट जमने की या उसके ऊपर स्मोक जमने की कोई संभावना नहीं है। इस वजह से हम इसको काफ़ी डस्टी इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हैं और ये एक तरीके से काफ़ी पैक्ड मोटर होती है। जबकि डीसी मोटर में कम्यूटेटर वाला पार्ट गर्म होता है तो उसके आसपास जाली लगानी पड़ती है, तो उसको एक पैक्ड कंस्ट्रक्शन में हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, यह सेल्फ स्टार्टिंग टाइप की होती है। अगर हम कंपेयर करें दूसरी मोटर जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें कैपेसिटर की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के लिए। जबकि हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो उसमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगता है हमको, प्राइम मूवर, जो मोटर को स्टार्टिंग में घुमाता है, फिर ही मोटर चलना स्टार्ट करती है। जबकि इस प्रकार की मोटर में, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन इस मोटर के साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका स्पीड कंट्रोल उतना आसान नहीं है जितना दूसरी मोटर का होता है। हालांकि ये अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, आजकल थ्री फेस इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत आसान हो चुका है जब से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स आई हैं, तो अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनका स्पीड कंट्रोल मुश्किल है। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन प्रकार से हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं और काफ़ी सारी एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, तो काफ़ी सारी एप्लीकेशन में इनकी स्पीड को बदलना होता है, जिसके लिए दो प्रकार से इसकी स्पीड को बदला जा सकता है। सबसे पहले स्टेटर के साइड से और दूसरा रोटर के साइड से। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो हमारी मोटर स्क्वायरल केज टाइप होगी जिसमें इस प्रकार का रोटर होगा, या फिर हमारे पास दूसरी टाइप की मोटर होगी जिसमें इस प्रकार का रोटर होगा, जिसे हम बोलते हैं फेज बाउंड रोटर, जिसमें स्टेटर की ही तरह बिल्कुल पतले तार से वाइंडिंग को बांधा गया होता है। तो पहले हम देखेंगे स्टेटर साइड से कैसे स्पीड को कंट्रोल करा जा सकता है। तो जो सबसे पहला मेथड है वह होता है बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज। जो हम मोटर को वोल्टेज दे रहे हैं उसको बदलकर हम मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, यह हमारा जो टॉर्क है यह इन चीज़ों पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर जो R2 है, यानी रोटर का रेजिस्टेंस है, या तो चेंज नहीं होगा या तो फिक्स है। तो यानी अब हमारा जो टॉर्क है वह डिपेंड करेगा रोटर में कितना वोल्टेज है और रोटर में कितना रिएक्टेंस है। अब हम जानते हैं जो स्लिप है S, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। हमने अक्सर देखा होगा कि जो मोटर की स्लिप होती है वो 3% 2% होती है, तो 0.02 या 0.03, तो इस हिसाब से यह वाली टर्म भी बहुत छोटी होगी। तो कुल मिला के जो मोटर का टॉर्क है वह डिपेंड करता है रोटर में कितना वोल्टेज है उस पर। लेकिन हम जानते हैं रोटर में कितना वोल्टेज होगा या तो डिपेंड होगा कि हम स्टेटर में कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारा टॉर्क है वह डिपेंड करेगा कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। तो टॉर्क ही कम होगा तो स्पीड भी कम होगी मोटर की, और टॉर्क ज़्यादा होगा तो मोटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो इस हिसाब से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके टॉर्क को, यानी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब या तो हम समझ गए हैं जो हम सप्लाई दे रहे हैं मोटर के स्टेटर को, जैसा कि स्टेटर में ऊपर टर्मिनल बॉक्स में या इस प्रकार से टर्मिनल निकले होते हैं, और यह स्ट्रिप्स ऐसे लगी, यानी मोटर डेल्टा में कनेक्टेड है, और हमारे पास तीन लाइन वायर हैं, तो हम एक एक वायर को इधर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये तो हमने सप्लाई दे दी। अब इस वोल्टेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो वोल्टेज को चेंज कर सके, क्योंकि हमें जो सप्लाई से वोल्टेज मिलेगा वो तो फिक्स मिलेगा, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट मिलेगा, और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होगा वो 230 वोल्ट होगा। तो पहला जो तरीका है हमारे पास वह है ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करके, या इसको वेरिएक भी बोलते हैं। तो क्योंकि थ्री फेस मोटर है तो यहाँ पर थ्री फेस ऑटो ट्रांसफार्मर लगेगा। तो सप्लाई से हम तीनों लाइन कंडक्टर और एक न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ कनेक्ट कर देंगे,
और इस बेरिंग का जो आउटपुट होगा वो चला जाएगा हमारी मोटर में, और इस नॉब की हेल्प से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं? ज़ीरो से हम बढ़ाकर इसको कर सकते हैं, जितना सप्लाई का वोल्टेज है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यह एक अच्छा तरीका है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने का, और साथ ही साथ यह हमारा सेफ स्टार्टिंग में भी हेल्प करता है। जैसा कि हमें पता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग के समय बहुत ज़्यादा करंट खींचती हैं, तो अगर हम स्टार्टिंग में फुल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा करंट खींचेंगे, जिससे हमारी मोटर भी ख़राब हो सकती है और सप्लाई भी ख़राब हो सकती है। इससे बचने के लिए हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में हम स्टार्टिंग में वोल्टेज कम रखेंगे, और जैसे जैसे हमारी मोटर नॉर्मल स्पीड गेन कर लेगी वैसे वैसे हम अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और उसको रेटेड वोल्टेज तक बढ़ा सकते हैं। और फिर वर्किंग के दौरान हम अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं वोल्टेज को चेंज कर कर। दूसरा जो तरीका है इनपुट वोल्टेज को वेरी करने का, बाय यूजिंग रियोस्टेट। जैसा कि यह सिलेंड्रिकल डिवाइस है, यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो एक पोजीशन में इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है और एक पोजीशन में मैक्सिमम होता है, जितना भी इस डिवाइस की रेटिंग है। इस प्रकार के तीन रियोस्टेट हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे तीनों लाइन में। तो शुरू में हम उनको मैक्सिमम पोजीशन में रखेंगे सेफ स्टार्टिंग के लिए, और जब हमारी मोटर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, नॉर्मल रनिंग में आ जाएगी, तो हम इसका रेजिस्टेंस ज़ीरो भी कर सकते हैं। और वर्किंग के दौरान हमें मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है, तो हम रेजिस्टेंस को वेरी कर कर मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखेंगे तो काफ़ी सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा और मोटर को कम वोल्टेज मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मोटर की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन यह मेथड एक बहुत इनफिशियंट मेथड है, क्योंकि यह जो सिलेंडर है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और हीट के फॉर्म में इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि मोटर के अंदर जितना भी करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस में से होता हुआ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर टाइम पावर लॉस होंगे। तीसरा जो तरीका है वह है वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ करना। इसके लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसमें सॉलिड स्टेट डिवाइस लगे होते हैं, जैसे थायरिस्टर और ट्रायक। तो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड डिवाइस होता है, जिसकी हेल्प से मोटर को दिए गए वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका खुद का एनर्जी लॉस बहुत कम होगा अगर हम कंपेयर करें ऑटो ट्रांसफार्मर और रियोस्टेट से। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमारी सप्लाई है और ये हमारा लोड है, और यहाँ पर दो थायरिस्टर्स लगे हुए हैं एंटी पैरेलल में। तो पॉजिटिव साइकिल में ये वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और ये वर्क करेगा, जैसे कि यह पॉजिटिव साइकिल है। लेकिन यह थायरिस्टर जब तक वर्क नहीं करेगा जब तक हम इसको या थर्ड टर्मिनल से एक करंट नहीं देंगे, इसको बोलते हैं फायरिंग पल्स। जैसे हम इसको फायरिंग पल्स देंगे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये थायरिस्टर ऑन हो जाएगा और हमारा इनपुट वोल्टेज बराबर हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। इसी प्रकार से नेगेटिव हाफ साइकिल में यह वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा तो यह वर्क करेगा, जबकि यह रिवर्स बायस होगा तो यह वर्क नहीं करेगा। लेकिन यह भी तभी वर्क करना चालू करेगा जब हम इसको फायरिंग पल्स देंगे, यानी इसके गेट टर्मिनल में एक छोटा सा करंट सिग्नल देंगे। तो जब इसको फायर करेंगे तो यह भी वर्क करेगा। अब हम देख सकते हैं हम फायरिंग एंगल में थोड़ा सा डिले कर दे रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं अल्फ़ा। तो आउटपुट वोल्टेज जो वेवफॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से होगी, और इसका एवरेज निकाला जाएगा तो इससे कम होगा। तो इस प्रकार से हम फायरिंग एंगल को बढ़ाकर आउटपुट वोल्टेज को कम कर सकते हैं। तो यह तो है सिंगल, तो यहाँ तो जो हम एग्जांपल देख रहे हैं यह सिंगल फेज के लिए है। एक्चुअली में थ्री फेज के लिए हर लाइन में इस प्रकार से थायरिस्टर्स लगे होंगे, और इन सारे थायरिस्टर का जो थर्ड टर्मिनल होगा गेट टर्मिनल, इनको एक कंट्रोल सर्किट से सिग्नल दिया जाएगा। तो यह हुआ हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो अभी जो हमने तीनों मेथड देखे, स्टेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करने वाले, ऑटो ट्रांसफार्मर वाला, रियोस्टेट वाला और ये वोल्टेज कंट्रोलर वाला, इन सब में एक ही प्रॉब्लम है कि अब जब हम वोल्टेज को कम करते हैं तो जो मोटर की कोर है इसमें फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है। तो इससे जो हमारा मोटर का जो मैग्नेटिक मटेरियल है वह अंडर यूज़ होता है, मतलब उसका प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता। तो एक तरीके से वोल्टेज को कंट्रोल कर स्पीड को कंट्रोल करना भी एक इनइफ़िशेंट मेथड है, इसमें भी हमको फुल इफ़िशेंसी नहीं मिलती। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, वोल्टेज के बिना हम मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है,
कि जो हम वोल्टेज दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है और मोटर की जो वाइंडिंग है उसको कितने नंबर ऑफ़ पोल के लिए बांधा गया है। तो एफ़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और पी नंबर ऑफ़ पोल है। तो जैसा कि हम 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई दे रहे हैं और मान लीजिए या जो वाइंडिंग है या 4 पोल के लिए है, तो उस कंडीशन में जो सिंक्रोनस स्पीड होगी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी वह घूमेगी 1500 RPM पर। और इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं घूमती है, उससे थोड़ी सी कम स्पीड पर घूमती है। तो यह लगभग 1440 RPM के आसपास यह मोटर घूमेगी। तो अगर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की ही स्पीड को कम कर दें तो मोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, और हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को बढ़ा दें तो मोटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर मोटर की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यह 3-फेज वेवफॉर्म है 50 हर्ट्ज़ के लिए, जैसा और कैसे पहचान सकते हैं 50 हर्ट्ज़ में, तो जैसा कि हमारे पास यह वेवफॉर्म है या 50 हर्ट्ज़ के लिए है, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर जो एक फेज़ की देखिए जो वोल्टेज साइकिल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, या 0.02 सेकंड में यानी 20 मिली सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो यह 50 हर्ट्ज़ के लिए वेवफॉर्म बनी हुई है। इसी प्रकार से ये येलो फेज़ है और इसी प्रकार से ये ब्लू फेस अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है 0.02 सेकंड में। अगर हम इस अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, इसको करके 25 हर्ट्ज़ कर दें, आधा कर दें, तो यही रेड फेस अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा 0.04 सेकंड में। तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यह वाली फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो मोटर ज़्यादा स्पीड पर रन करेगी, और यह वाली फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हम देंगे तो मोटर कम स्पीड पर रन करेगी। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर स्पीड को कम ज़्यादा करना, यह भी एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम जैसे ही फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे मोटर के अंदर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी कोर जो है वह सैचुरेट हो जाएगी। तो वास्तव में सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज कर मोटर की स्पीड को चेंज नहीं करा जाता है, जो मेथड यूज़ होता है वह होता है कॉन्स्टेंट VYF कंट्रोल। इस मेथड का यूज़ करके ही हम मोटर की स्पीड को बदलते हैं। इसमें हम अगर फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो वोल्टेज को भी कम करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्लक्स डेंसिटी को वापस से मेंटेन करने के लिए हम वोल्टेज को भी कम करेंगे। तो VYF का रेशियो को हमेशा कॉन्स्टेंट रखा जाता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी आधी कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी आधा कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को हम 4 गुना कम कर रहे हैं तो वोल्टेज को भी 4 गुना कम करेंगे, तभी हमारी मोटर जो है वो परफेक्ट वर्क करेगी। अदरवाइज़ हमारी मोटर बहुत इनइफ़िशेंटली वर्क करेगी। तो वास्तव में VYF कंट्रोल में क्या होता है, अगर हमने देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो हम वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी आधी कर रहे हैं तो यानी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी हम आधा कर दे रहे हैं। तो ऐसा करा कैसे जा सकता है? ऐसा करने के लिए जो डिवाइस लगता है उसे बोलते हैं VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों यह डिवाइस मदद करता है फ्रीक्वेंसी को और वोल्टेज को एक साथ बदलने में, और आज के टाइम में यही मेथड मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करा जा रहा है। अभी हम और भी मेथड देखेंगे, लेकिन यही मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। और VFD कैसे वर्क करती है इसके ऊपर हम अलग से ही पहले वीडियो बना चुके हैं, तो आप इस लिंक पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आप अभी एक डाउट और होगा आपके मन में कि फ्रीक्वेंसी को कम करने से फ्लक्स डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, तो उसको प्रॉपर हमने एनिमेशन से समझाया हुआ है उसी वीडियो में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से जाकर देखें। तो इसके अलावा जो और भी मेथड हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट मेथड है बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स। तो स्टेटर में जो पोल्स हैं उनकी संख्या को कम ज़्यादा करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है 120 F/P। अब अगर फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स है, हम फ्रीक्वेंसी को ना वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं, तो यह 50 हर्ट्ज है। अब अगर 6 पोल की मोटर होगी तो उसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वह 1000 RPM से घूमेगी, तो मोटर लगभग 950 RPM के आसपास घूमेगी। इसके बाद अगर 4 पोल की मोटर है तो तेज़ घूमेगी, 1500 RPM तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होगी और हमारी जो मोटर घूमेगी वो 1440 RPM के आसपास घूमेगी। और इसी प्रकार से 2 पोल की मोटर है तो उसकी जो रोटेटिंग फील्ड है वह 3000 RPM से घूमेगी और हमारी मोटर 2900 RPM के आसपास घूमेगी। डिपेंड करता है कितनी स्लिप है और मोटर के ऊपर लोड कितना है। इसको समझने के लिए हमने यह जो वाइंडिंग है
इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, हमने एक ही फेस की वाइंडिंग दिखाई है, यानी रेड फेस की वाइंडिंग को दिखाया गया है, चार पोल के लिए इसको बांधा गया है। तो इस वाइंडिंग में जब करेंट फ्लो करेगा पॉजिटिव साइकिल के लिए, इस वाले पार्ट में क्लॉकवाइज घूमेगा तो मान लीजिए नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पे साउथ पोल बनेगा, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे नॉर्थ, फिर यहाँ पर साउथ, तो अल्टरनेट पोल्स बनेंगे। अगर हम यहाँ पर इन लूप्स के कनेक्शन को ही चेंज कर दें तो जो पोल चेंजिंग मेथड होता है इसमें जो टर्मिनल्स हैं वो बाहर निकले होते हैं और बाहर एक स्विच लगा होता है जिससे हम नंबर ऑफ़ पोल्स को चेंज कर सकते हैं। जब हम नंबर ऑफ़ पोल्स को चेंज कर देंगे तो इन दोनों में ही क्लॉकवाइज करेंट घूमेगा, तो यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनेगा और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल बनेगा, और उनके यहाँ पर करंट इस प्रकार से रोटेट होगा वाइंडिंग में से कि यहाँ पर साउथ पोल बनेगा और यहाँ पर भी साउथ पोल बनेगा, तो सिर्फ दो ही पोल बचेंगे, इधर पूरा नॉर्थ और इधर पूरा साउथ, तो चार पोल की मोटर कन्वर्ट हो गई दो पोल में। तो इस प्रकार से हम दो अलग अलग स्पीड को अचीव कर सकते हैं। तो इस मेथड का यही डिसएडवांटेज है कि हम सिर्फ दो अलग अलग स्पीड को ही अचीव कर सकते हैं, बीच के किसी स्पीड को हम इस मेथड से अचीव नहीं कर सकते। तो यह मेथड भी आउटडेटेड है, जो पुराने इंस्टॉलेशंस हैं सिर्फ वहीं पे यूज़ हो रहा है यह मेथड, नए इंस्टॉलेशन में ज़्यादातर VFD के साथ ही मोटर को लिया जाता है। तो स्टेटर साइड से कैसे स्पीड को कंट्रोल करा जा सकता है यह हमने देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं जो रोटर साइड है वहाँ से स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस करा था, दो प्रकार के रोटर होते हैं, एक होता है स्क्वायरल केज, दूसरा होता है फेस बाउंड। तो स्क्वायरल केज जो रोटर होता है इसमें कॉपर्स के बार शॉर्ट सर्किटेड होते हैं, इनमें कोई कनेक्शन बाहर नहीं आता, तो इसके पैरामीटर्स में चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है। जो रोटर की तरफ से स्पीड कंट्रोल करा जा सकता है वह इसी प्रकार की मोटर में करा जा सकता है जिसमें फेस बाउंड रोटर हो, यानी उसमें भी वाइंडिंग बंदी हो और उसके वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स होंगे उनको डेल्टा में कनेक्ट कर तीन स्लिप रिंग के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता है, और इन तीन स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं जिसकी हेल्प से इन कनेक्शन को बाहर लाया जाता है मोटर के टर्मिनल बॉक्स में। अब हम इस रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर। तो यानी जो पहला मेथड है वह है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। इस मेथड में हम रोटर के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रोटर में फ्लो होने वाली करेंट को चेंज कर सकते हैं, और रोटर में करंट को चेंज कर सकते हैं तो हम रोटर पे लगने वाले टॉर्क को भी चेंज कर सकते हैं, और कुल मिला के हम स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगेन यह मेथड भी एक तरीके से इनएफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी और हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होगी। जो दूसरा मेथड है जो रोटर की तरफ से स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करा जाता है वह है कैस्केडेड कंट्रोल। इसमें दो मोटर होती हैं, दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर कपल्ड होती हैं, एक होती है मेन मोटर और दूसरी होती है ऑक्सिलरी मोटर। तो जो मेन मोटर है वह हमारी सप्लाई से कनेक्टेड होती है, और मेन मोटर के जो रोटर से कनेक्शन बाहर निकलते हैं वह जाते हैं दूसरी मोटर को चलाने के लिए। अब जो दूसरी मोटर है वह फेस बाउंड टाइप भी हो सकती है और स्क्वायरल केज टाइप भी हो सकती है। अगर स्क्वायरल केज टाइप है तो उसमें स्लिप रिंग के थ्रू कोई कनेक्शन बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर भी हमने फेस बाउंड रोटर यूज़ करी है तो उसकी अपनी स्लिप रिंग होगी और उसके अपने ब्रशेस के थ्रू कनेक्शन बाहर निकले होंगे, तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर स्पीड को वेरी कर सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन से जो हमको स्पीड मिलेगी उसका फॉर्मूला यह होगा N=120F/P1+P2। यहाँ पर P1 है कि मेन मोटर में कितने पोल हैं और P2 है के सेकंड मोटर में कितने पोल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम पोल की मोटर हों, एक चार पोल की एक छः पोल की मोटर भी हो सकती है, तो हमको यहाँ पर कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। जैसा कि अगर सिर्फ पहली मोटर चल रही हो दूसरी मोटर डिसकनेक्टेड हो तो जो स्पीड होगी वह बराबर होगी 120F/P1। इसी प्रकार से हम पहली मोटर को डिसकनेक्ट करके दूसरी मोटर को कनेक्ट कर दें तो हम P2 स्पीड पर अपनी मोटर को चला सकते हैं, और अगर दोनों साथ में चल रही हों तो जो स्पीड मिलेगी हमको वह बराबर होगी 120F
अपॉन P1 प्लस P2 के बराबर। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके कनेक्शन को उल्टा कर दें, यानी एक मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करे और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करे, तो उस कंडीशन में जो स्पीड मिलेगी वह बराबर होगी 120 F/P1 - P2। तो इस प्रकार से हम रोटर की साइड से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लगभग सारे मेथड देखे स्पीड कंट्रोल करने के थ्री फेस इंडक्शन मोटर के। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो इम्प्रैक्टिकल से हैं, तो उनको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वह होता है VFD के थ्रू मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, और VFD वाली मोटर में हमको स्लिप रिंग वाली मोटर की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल केज रोटर की ही स्पीड को काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, बहुत हम उसको बहुत स्लो स्पीड में भी घुमा सकते हैं और बहुत हाई स्पीड में भी हम उसको घुमा सकते हैं। तो VFD के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है आप उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा मोटर के स्पीड कंट्रोल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अंत में आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।